इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर जो आपको बताया आपके एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो है अब जो है लगभग सभी रीजन के आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है काफी दोस्तों के जो है कमेंट है कि सर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, हम जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है कि आपके जो है जिन भी दोस्तों के एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं तो किस कारण की वजह से जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं और इसका जो है क्या कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। जो है यहाँ पे बात करेंगे कि इससे पहले जो है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है अदर एग्जाम यहाँ पे रिजेक्ट किए गए थे एसएससी के द्वारा उन पे जो है एसएससी ने क्या कुछ एक्शन यहाँ पे लिया है। यहाँ पर जो है दोस्तों अगर हमारा काम सुंदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके किस रीजन की वजह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है कैंडिडेट के रिजेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ खास रीजन भी उन्होंने मेंशन नहीं किया दोस्तों, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेकर जो है वो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नो सिग्नेचर, ब्लड सिग्नेचर एंड सिग्नेचर नोट एज पर फॉर्मेट। तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो कहना है कि जो एसएससी ने जो आपके लिए नोटिफिकेशन में सिग्नेचर का करेक्ट फॉर्मेट मेंशन किया था उसके अनुसार जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिग्नेचर कैंडिडेट के द्वारा अपलोड नहीं किए गए, जिसका भी तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका आप रिमार्क यहाँ पे वो आप यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर की वजह से जो है इस कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और सेम केस जो है वो यही आपको जो है देखने को मिलेगा रिमार्क यहाँ पे और नो सिग्नेचर, ब्लड सिग्नेचर एंड सिग्नेचर नोट एज पर फॉर्मेट। तो यहाँ पर दोस्तों जो है एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको मेंशन किया था दोस्तों कि अगर आप जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो फोटोग्राफ है उसको लेकर भी काफी कैंडिडेट के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ को लेकर जो है वो यहाँ पे रिमार्क कर दिया गया और कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। नो फोटोग्राफ, ब्लड फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफ नोट एज पर फॉर्मेट। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट मेंशन भी नहीं किया गया कि कौन सा रीजन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम कैंडिडेट के द्वारा की गई जिसके कारण जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। नो फोटो, ब्लड फोटोग्राफ एंड सिमोर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो एसएससी को जो है करेक्शन के लिए एक चांस जो कैंडिडेट को वैसे तो जरूर देना चाहिए क्योंकि काफी कैंडिडेट के यहाँ पे जो है फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों आपके फॉर्म जिन भी कैंडिडेट के यहाँ पे रिजेक्ट हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर, तो इसके लिए आपको बता देंगे दोस्तों इससे पहले जो है जिन भी एग्जाम्स में कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं उसमें जो है बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिला है कि आपका जो है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो जाता है और इसके बाद जो है बहुत ही कम टाइम यहाँ पे बचता है दोस्तों कि आपका जो है फिर से एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाए। बट यहाँ पर जो है आप सिंपली जो है जो आपका जो भी रीजन है एक बार आप जो है दोस्तों यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आपको जो है सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका अगर जो आपका ईस्टर्न रीजन है तो आपके जो है ईस्टर्न रीजन के कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको सभी रीजन के जो है आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है साथ ही आपको बात करें दोस्तों एक मेन काम जो आपको यहाँ पे जरूर करना है, आपको जो है दोस्तों आपका जो भी रीजन है उसकी जो है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपकी एसएससी की जो है दोस्तों आपके रीजन की ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उस पर जो है दोस्तों आपकी जो भी यहाँ पे जो है जिस भी रीजन की वजह से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है वो जो है दोस्तों आपको जो है मेंशन करके और ईमेल यहाँ पे जरूर करना है ताकि आपको जो है इसका जो है दोस्तों कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे मिल पाए। और बाकी जो है एक दो रीजन का एडमिट कार्ड जो है अभी भी आना यहाँ पे बाकी है, तो दोस्तों आप जो है इंतजार करें आपका जो है एडमिट कार्ड जैसे जारी होगा उसके बाद ही आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।